बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर सोलन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने डीआरओ के माध्यम से सरकार को एडवोकेट एक्ट में संशोधन व न्यायालय परिसर में आ रही परेशानियों का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पूर्व सोलन जिला बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस का आयोजन किया। जनरल हाउस की अध्यक्षता सोलन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने की। हाउस में बार अधिवक्ताओं को सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एडवोकेट एक्ट में संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। हाउस में सर्वसम्मति से इस संशोधन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। हाउस में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में आ रही परेशानियों के बारे में प्रशासन को मेमोरेंडम के माध्यम से अवगत करवाने पर भी सहमति जताई, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने डीआरओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। सोलन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने इसे एक तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन अधिवक्ताओं की सुविधा की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि अधिवक्ताओं की मांगे नहीं मानी जाती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर आने वाले समय में अधिवक्ता हड़ताल द्वारा इस संशोधन का विरोध करेंगे। अमेंडमेंट्स जो एडवोकेट्स एक्ट में की जा रही हैं, खासतौर से वकीलों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्राइक से जो प्रतिबाधित किया जाना प्रस्तावित है, उसका भी विरोध किया। साथ ही साथ न्यायालयों में आपने देखा होगा कि ना तो सुविधाएं हैं लिटिगेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, और ना ही वकीलों के लिए कुछ इस प्रकार की कोई सुविधाएं हैं जहां बैठने का अरेंजमेंट हो, जो क्लाइंट्स लिटिगेंट्स आते हैं उनसे बात करने की कोई व्यवस्था हो, कोई ऐसा स्थान मुकर्रर हो, ना ही कोई चैम्बर्स वगैरह हैं जिससे कि वकील अपने कार्य को एफिशिएंसी से आसानी से उसको निपटारा कर सके। तो इस माध्यम से आज इस ज्ञापन से जो रेजोल्यूशन पास किया है, हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और जो देश के हित में काम करने वाली एक क्लास है उसको, जिसको ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, उसकी सुविधाओं का और उसकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए पूरा जो है वो इंतजाम सरकार द्वारा किया जाना वाजिब है।